गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th की प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का छठा चैप्टर है, पोएट्स एंड पैनकेक्स। आज हम लोग इस चैप्टर की हिंदी समरी देखेंगे, मींस प्यारे बच्चों इस चैप्टर की कहानी देखेंगे। तो आज की क्लास आपकी 20 से 25 मिनट की होने वाली है, जिसमें आपको एक शानदार और बेहतरीन कहानी देखने को मिलेगी। और प्यारे बच्चे अभी तक आपका प्रोज का 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, आज आपके छठे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। पोएट्री वाले सेक्शन पहली पोएम हो चुकी है, विस्तार में भी आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यार इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 out of 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए भैया आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही है हर क्लास को आपको अटेंड करना है, किसी भी क्लास को मिस नहीं करना है। और प्यार जी एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है उनकी हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती है। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको मिलेंगी, इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से आपको क्लास के अंत में समझा दिया जाएगा। अब जल्दी से प्यारे चलते हैं हम लोग इस चैप्टर की समरी से कनेक्ट होते हैं। तो भैया समरी पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। तो प्यारे जो इस चैप्टर का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स, पहले हम लोग इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। और इस चैप्टर को लिखा कौन है, अशोका मित्रण ने लिखा हुआ है। अब हम लोग इस चैप्टर का हिंदी अर्थ समझते हैं। पोएट्स मींस जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कवि होता है। अब बात पूछती है पैनकेक्स क्या होता है, तो प्याचे पैनकेक होता है एक जेमिनी स्टूडियो था, जेमिनी स्टूडियो एक था और उस स्टूडियो में जो मेकअप की सामग्री आती थी उस मेकअप की सामग्री का ब्रांड नेम क्या था, पैनकेक्स था। अब मेकअप मतलब भैया क्या होता है, अगर कोई बच्चा लोग ही पूछेगा कि मेकअप क्या होता है, अरे भैया जो है मेकअप वही होता है जो करियाई लड़कियां लगा करके गोरकी लड़कियां बन जाती है, वही मेकअप होता है। तो जेमिनी स्टूडियो में जो मेकअप की सामग्री आती थी उसी का ब्रांड नेम क्या था, आपका पैनकेक्स था। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे पोएट्स और पैनकेक्स का अर्थ समझ गए होंगे, जो इस चैप्टर का नाम है। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अशोका मित्रण के बारे में। तो प्यारे अशोका मित्रण एक राइटर थे और राइटर के साथ साथ इन्होंने जो है जेमिनी स्टूडियो में काफी समय तक काम किए हुए थे। ये अपने अनुभव के लिखते हैं, अनुभव प्यारे ये जो चैप्टर है इनका एक ऑटोबायोग्राफी है। इन्होंने एक किताब लिखा हुआ था माई ईयर्स विथ बॉस करके किताब लिखा हुआ था, उस किताब का कुछ अंश ये चैप्टर आपका है पोएट्स एंड पैनकेक्स है। इसमें उन्होंने जेमिनी स्टूडियो के बारे में बताए हुए हैं कि जब तक वहां पर वो काम किए हुए थे क्या चीज क्या क्या चीजें घटित हुई थी, क्या क्या चीजें उन्होंने फेस किया हुआ था, सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में उन्होंने बताया हुआ है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जेमिनी स्टूडियो के बारे में प्यारे, ये जहां पर जय अशोका मित्र ने काम किया हुआ था। अब हम लोग चर्चा करते हैं जेमिनी स्टूडियो। तो प्यारे जेमिनी स्टूडियो को बनाया गया था 1940 ईस्वी में और कहां पर बनाया गया था, चेन्नई में। और भैया चेन्नई कहां पर है, तमिलनाडु में है। तो मींस तमिलनाडु के चेन्नई में जेमिनी स्टूडियो की स्थापना 1940 ईस्वी में हुआ था। और इसकी स्थापना किसने किए थे, इसके फाउंडर कौन थे, एस वासन इसके फाउंडर थे, मींस संस्थापक थे। और यहां पर होता क्या था, यहां पर प्यारे मूवी की शूटिंग होती थी। पहले आपको पता है कि शूटिंग जो है ऑफिस में ही सब कुछ पूरी शूटिंग कंप्लीट हो जाती थी, तो यहां पर जो है इस जेमिनी स्टूडियो में भी क्या होती थी, मूवी की शूटिंग होती थी। ये जो है आपने एक ओवरव्यू बना लिया जेमिनी स्टूडियो के बारे में। अब प्यारे हम लोग शुरू करते हैं, असली कहानी शुरू करते हैं जहां से आपके चैप्टर की शुरुआत होती है। तो पहले बताया जाता है कि इस जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट है, मिस मेकअप जो है सौंदर्य प्रसाधन, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, सौंदर्य प्रसाधन। जो सौंदर्य प्रसाधन का जो स्थान है जेमिनी स्टूडियो में ऊपर की बिल्डिंग पे है, मतलब जो है उसका हो सकता हो 2-3 महिला का जेमिनी स्टूडियो रहा हो और ऊपर वाला महिला जो है क्या था, ये सौंदर्य प्रसाधन का था। मीन्स वहां मेकअप की सामग्रियां सारी चीजें थी, वहां पर हीरो हीरोइन मीन्स एक्टर और एक्ट्रेस को सजाया जाता था, कॉमेडियन को सजाया जाता था, सारी चीजें होती थी। और जो इसका मेकअप का जो मकान रूम था जिसमें मेकअप किया जाता था, वो जो कमरा था वो कमरा प्यारे पूरी तरह से लाइट से भरा हुआ था,
मीन्स चारों तरफ से प्रकाश ही प्रकाश था, मीन्स इतना वहां पर प्रकाश था, मीन्स काफी प्रकाश था। और वो एक सैलून की भांति प्रतीत होता था, जैसे सैलून क्या होता है जहां पर बलवाल वाल जाते हो बनवाने के लिए, वही सैलून होता है ना, वह एक सैलून की भांति प्रतीत होता था जहां पर जो है खूब सारी ढेर सारी लाइट से लाइट लगी रहती थी। तो इसलिए जो वहां पर अपना मेकअप कराने जाता था, मीन्स जो नायक और नायिका होती थी जो वहां पर जो है अपना मेकअप कराते थे, तो उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि भैया चारों तरफ से अगर लाइट लग जाएगी तो उसका हीट, उसका गर्मी जो है अलग महसूस होता है ना। तो लोग जब अपना मेकअप कराते थे तो बहुत बुरा जो है अनुभव उनका रहता था। और यहां पर जो है अश्वकामित्रन कमेंट करते हैं कि यहां पर उनके चेहरों को और ज्यादा बिगाड़ दिया जाता था, मतलब उन्हें बदसूरत कर दिया जाता था। अब भैया इन लाइन काहे को अश्वकामित्रन ने कहा हुआ है कि उन्हें बदसूरत कर दिया जाता था, क्योंकि भैया भगवान ने इतना अच्छा खासा चेहरा दिया और उसी पे 25 बार लेपन लगवा लो, मेकअप का 25 बार लेपन लगवा लोगे तो चेहरवा थोबड़वा बिगड़ जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर कहीं भी यहाँ पर इस जो है मेकअप के जो डिपार्टमेंट में जो जाते थे अपना चेहरवा बिगाड़ करके चले आते थे, मीन्स बदसूरत बन जाते थे। ठीक है, ये चीजें हो गई। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक हायर चीज चलती थी, और इस मेकअप डिपार्टमेंट का एक चीज और है। यहाँ पर मेकअप डिपार्टमेंट का पहले जो है जो मुख हुआ करता था, जो उसका मुखिया हुआ करता था, वो मुखिया जो है बंगाली था, लेकिन वो जो है पैसा वैसा लग रहा है ज्यादा वादा कमा लिया अपने टैलेंट के अनुसार, उसके बाद मेकअप डिपार्टमेंट को छोड़ करके कहीं और चला गया। और उसके बाद उसका जो है जो हेड हुआ, जो मुखिया हुआ, उसका एक महाराष्ट्रियन हुआ, तो सभी को लेकर के चलता रहा था, जो उसके सहायक थे अन्य अन्य प्रदेश के थे, अन्य अन्य भाषा धर्म के बोलने वाले लोग थे। तो वहां पर एक समेकित रूप दिखाने की कोशिश किए हुए हैं कि किस तरह से 1940-45-50 में भी लोग मिलजुल करके रहते थे, उस महाराष्ट्रियन का सहायक लोग थे। और उसके बाद वहां पर एक हायरची चलती थी, हायरची में उनसे होता है पदानुक्रम, और पदानुक्रम क्या होता था, जो वहां पर मेन मेकअप मैन होते थे, मींस मेन मींस मुख्य जो मेकअप मैन होते थे, वह मुख्य जो है आर्टिस्ट को तैयार करते थे, मींस मुख्य एक्ट्रेस और जो है मुख्य एक्टर को तैयार कौन करता था, मेन मेकअप मैन तैयार करता था। और जो उसका सीनियर असिस्टेंट होता था, मींस जो उसका सहायक में भी सीनियर जो सहायक होता था, वो जो नंबर टू के हीरो हीरोइन होते थे, मींस एक्टर और एक्ट्रेसेस होते थे, उनको तैयार करता था। और जूनियर जो असिस्टेंट होता था, मेन जो है मेन मेकअप मैन का जो जूनियर असिस्टेंट होता था, वह किसको तैयार करता था, कॉमेडियन को तैयार करता था। मींस एक हायरची चलती थी, पदानुक्रम चलता था, मींस जो जो सबसे अच्छा है सबसे अच्छे वाले को तैयार करेगा, उससे कम है तो उससे कम वाले को तैयार करेगा, और जो उससे भी कम है तो कॉमेडियन को तैयार करेगा। तो ये पदानुक्रम वहां पर चल रहा था, और यही चीजें सभी जगह आपको देखने को मिलेगी। और वहां पर जो भीड़ रहती थी, जो क्राउड्स होते थे, मूविया में देखते हो ना भीड़िया जो दिखती है, तो जो है क्राउड्स को लाया जाता है, वो ऐसा भीड़ इकट्ठा नहीं हो जाती है। तो जो क्राउड्स होती थी, क्राउड्स को ऑफिस बॉय जो है उन्हें लेपन करता था, मींस उनका मेकअप ऑफिस बॉय करता था, क्योंकि क्राउड में तो भैया बहुत सारे ढेर सारे लोग रहते हैं ना, तो क्राउड का जो है रफली कोई जो है उनका मेकअप करने वाला होना चाहिए। तो वहां पर एक ऑफिस बॉय था जो क्राउड का क्या करता था, क्राउड का जो है मेकअप करता था। और इसके साथ साथ जो है क्राउड का मेकअप तो करता था, इसके साथ साथ वो अपनी आप को बहुत टैलेंटेड समझता था। ऑफिस बॉय समझ करके लड़का मत समझ लेना इसको, ये 40 वर्ष का था, इसको भले ऑफिस बॉय कहा जाता था लेकिन था कितने वर्ष का, 40 वर्ष का था। और अपने आप को बहुत बड़ा राइटर समझता था, बहुत बड़ा जो है ये अपने आप को एडिटर समझता था, मतलब कुल क्वालिटी समझता था, लगता था कि इसे हम बहुत बड़ा हीरो हैं, सब कुछ ये अपने आप को समझता था, कि लगता था इसे बहुत बड़ा पोएट है, मींस ये अपने आप को सुपर समझता था। और जब ये इस जेमिनी स्टूडियो में प्रवेश किया था, इसी उम्मीद से प्रवेश किया था कि हम चल रहे हैं यहां पर बहुत बड़ा बड़ा काम करेंगे। ये कौन था, ये जो है ये जो ऑफिस बॉय था, उसके बारे में बात हो गई। अब जो है यहां पर अब जो है राइटर की बारी आती है कि राइटर क्या करते थे। तो प्याची जो इसके राइटर अश्वकामित्रन है बताते हैं कि जो जेमिनी स्टूडियो में मेरा काम था, वो काम बस इतना था कि न्यूज़पेपर से उसकी जो मुख्य कटिंग होती थी, मींस जो मुख्य न्यूज होती थी, उसको कटिंग करके एक फाइल में हम क्या करते थे, सेट करते थे। और ये काम जो है जो अन्य लोग आते थे, इनका एक छोटा सा कमरा था और छोटे से कमरे में जो है ये बैठ करके यही करते थे। और जो अन्य लोग आते थे, अन्य लोग कहते थे कि ससुराल कुछ हो नहीं कर रहा है, मींस कटिंग काटना जो है कौन सा काम होता है, पेपर की कटिंग काटना, लेकिन ये भी इनके लिए मुख्य काम था, क्योंकि मुख्य पेपर की कटिंग को काटना और जो है उन्हें तह करके लिखना, मींस सारी चीजों को फाइल में सेट करना, उनका भी अलग ही काम था। और यहां पर जो ऑफिस बॉय हुआ करता है,
ये ऑफिस बॉय आकर के इनके पास खूब परेशान करता था, मिस अशोका मित्रन के पास। ये अपनी पोयम वोयम सुनाता रहता था, कहता था देखो आज ऐसा पोयम लिखे हुए, देखो बिंदास है, बढ़िया है, झकास है कि नहीं झकास है। मतलब आकर के ऑफिस बॉय इन्हें पूरी तरह से परेशान किया रहता था। ये भी मनाते थे कि जल्दी से जो है ऐसी मूवी की शूटिंग हो, ऐसी जगह शूटिंग हो जहां पर क्राउड हो, जहां पर भीड़ हो, ताकि ये जो है ससुरा व्यस्त रहे, नहीं तो हमारे पास आकर के बहुत हमको क्या करता है, परेशान करता है, ऐसा अशोका मित्रन को लगता था। ये चीजें होती हैं। और उसके बाद जो ये ऑफिस बॉय है, एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा जेलस, इसको था मींस जेलसी थी, मतलब जलता बहुत ज्यादा था। वो कौन था? ये जो उठा जो है सुब्बू, सुब्बू करके एक था जिससे वह बहुत ज्यादा क्या करता था, चिढ़ता था, मिस जो है उस इंसान से बहुत ज्यादा जलता था। और सुब्बू का पूरा नाम था कोटमंगलम सुब्बू, कोटमंगलम सुब्बू था, जो जैनी स्टूडियो का नंबर दो कहलाता था। नंबर दो कहां कहलाता था? क्योंकि यह जो इसके फाउंडर थे यस वासन, जो इसके फाउंडर थे उनके बहुत नजदीक रहता था, मतलब बहुत ज्यादा उनके क्लोज रहता था, इसलिए भैया जो है वो नंबर दो का कहलाता था। और जलता ये क्या क्यों था, ये मिस ये ऑफिस बॉय इससे जलता क्यों था, जो है कोटमंगलम सुब्बू से जलता क्यों था, क्योंकि ये जो सुब्बू था बहुत तेज था, मतलब भले जो है ये छोटा सा काम करता था लेकिन तेज बहुत था। ये जो सोच रहा था कि हम जो है फर्जी जो सोचता था कि हम एक बड़ा राइटर बन जाएंगे, हम बहुत बड़े राइटर हैं, निर्देशक हैं, एक्टर हैं, ये जो ऑफिस बॉय सोचता था, ये सुब्बू के अंदर सारी क्वालिटीज थी, मीन्स जो है ये इसके अंदर रियल में सारी क्वालिटीज थी। और इसके साथ साथ ये जो कोटमंगलम सुब्बू था ये ब्राह्मण परिवार का ठहरा, ब्राह्मण परिवार में जानते हो बोलने में माहिर होते हैं। अरे पंडित लोग बोलने में माहिर होते हैं कि नहीं माहिर होते हैं? भैया पंडित ना आपसे ऐसा ऐसा अपना काम करवा ले ना, आप जो है एकदम बेवकूफ बन जाएंगे। पहले पूरा जो राजा महाराजा होते थे छत्री, उनको चलाता कौन था? पंडित ही लोग चलाते थे, ब्राह्मण ही लोग चलाते थे ना, तो समझ जाओ ब्राह्मण की ताकत। ब्राह्मण हमारे कमजोर नहीं होते, बहुत तेज दिमाग के होते हैं, तो इसलिए अन्य कास्ट वाले भैया बचे रहना ब्राह्मण लोग से, इतना सारथी होते हैं कि गलवा काट देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, लगेगा कि हमको प्रेम दिखा रहा है, मोहब्बत दिखा रहा है, तो इसलिए भैया ब्राह्मण लोग से सावधान रहना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब कोटमंगलम सुब्बू भी क्या था, ब्राह्मण था, इसलिए जानता था कि बास को कैसे पटाना है, और तेज भी था, तो इसलिए नंबर दो का कहलाता था। ऑफिस बॉय क्यों चलता था आपको उसे भी बता दी। ऑफिस बॉय सोचता था कि इसके स्थान पे हमें होना चाहिए, मतलब ये सारी क्वालिटी हमारे अंदर है, कि ससुरा के अंदर नहीं है, इसको वो काम करना चाहिए जो हम काम कर रहे हैं, कि जो है कि क्राउड को लेपन करना चाहिए, मीन्स उनको सजाना चाहिए, ठीक है, उनका मेकअप करना चाहिए, ये इसको करना चाहिए, हमें वो काम करना चाहिए जो इसका है। और सुब्बू को जैसे इतना टैलेंटेड था, जैसे एक कंडीशन यहां पर दिखाया गया है कि जैसे जो है कोई चूहा है और कोई बाघिन है, टाइग्रेस है, और जो है चूहा अगर जो है बाघिन को मार दिया, भैया वैसे जो है अलग ही दिखा रहे हैं, चूहा बाघिन को मार दिया, मतलब ऐसा हो तो नहीं सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन दिखाया गया, अगर चूहा बाघिन को मार दिया और जो है उसके बाद चूहा बाघिन को मारने के बाद चूहा उस बाघिन के बच्चे के प्रति प्रेम दिखा रहा है, मीन्स स्नेह दिखा रहा है, लगाव दिखा रहा है, तो इस कंडीशन को जो है फिल्माना था, मींस फिल्म में दिखाना था, तो इसके अगर कोटमंगलम सुब्बू के पास कोई चला जाता कि इस दृश्य को कैसे दिखाया जाए, वो 20 तरीका बता देता था कि कैसे इस दृश्य को दिखाना है। तो एक इसकी जो है खूबियां थी कोटमंगलम सुब्बू की, ये सारी क्या थी, खूबियां थी। और इसके साथ साथ कोटमंगलम सुब्बू का क्वालिटी भी बहुत थी कि वह बहुत दयालु इंसान था, जो भी उसके घर आ जाता था कभी उन्हें वापस नहीं करता था, मतलब उनके साथ प्रेम से व्यवहार करता था, सारी चीजें एकदम बहुत बहुत बेहतरीन करता था। एक कोटमंगलम सुब्बू की क्या थी, विशेषताएं थी, इसीलिए जो है वह बॉस जो एस एस वासन थे उनका जो है बहुत करीबी हो गया था, नंबर दो का कहलाता था। तो प्यारे जी ये होता है कि हमारे ब्राह्मण भाइयों की ताकत होती है, ठीक है, अब समझ जाना, बाकी कुछ हो नहीं करेंगे। अब बात आती है यहां पर कि ये जो इसका एक्चुअल जो काम था कोटमंगलम सुब्बू का, ये स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करता था, मीन्स वहां पर स्टोरी जो डिपार्टमेंट था उसमें काम करता था, मीन्स इसका मुख्य जो है मुख्य उसी में था, स्टोरी डिपार्टमेंट में, भले वो जो है नंबर दो का था, जो है हमेशा जो है बॉस के साथ रहता था, एस एस वासन के साथ रहता था, सारी चीजें थी, लेकिन एक्चुअल जो उसे बताया गया था भैया तुम्हारा स्थान कहाँ है, स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर है। और उस स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर वकील थे, लेखक थे, कवि थे, मीन्स ये सारे लोग उस स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर सम्मिलित थे। इसमें हमने बताया एक नाम वकील भी थे, मिस लायर मिस वकील भी थे, और उस वकील को क्या कहा जाता था जो इस जो है स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर था, उसको कहा जाता था लीगल एडवाइजर,
मीन्स था तो वह लीगल एडवाइजर, लेकिन उसे बुलाया जाता था इलीगल एडवाइजर बुलाया जाता था। अब भैया कहोगे कि सर जी काहे को उसको इलीगल एडवाइजर बुलाया जाता था, काहे को भैया ससुराल वैसा काम ही करता था, इलीगल जैसा मीन्स अनैतिक जैसा काम करता था। अब कैसे अनैतिक काम करता था, चलो उसको भी आपको बताते हैं कि कैसा अनैतिक काम करता था। तो भैया इसकी एक बार कहानी है कि एक हीरोइन थी, हीरोइन मतलब समझो एक्ट्रेस थी, एक्ट्रेस एक बार चिढ़ गई, खूब गुस्सा आ गई थी और गुस्सा करके सबको डांट रही थी, जो वहां पर थे सभी को खूब ही डांट रही थी। और उसके बाद इस जो है वकील ने क्या किया, जब वो चिल्ला रही थी तो रिकॉर्डर चालू कर दिया, मींस जिसमें आवाजिया रिकॉर्ड होती है उस रिकॉर्डर वा को चालू कर दिया। तो उसके बाद इनकी आवाज रिकॉर्ड हो गई, हीरोनिया की मिस एक्ट्रेस वा का आवाजिया रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद वो जब रुकती है सांस लेने के लिए, मतलब बोल रही होती है किसी के ऊपर चिल्ला रहे होते हो तो ससिया लेने के लिए रुकते हो ना, तो जब सांस लेने के लिए रुकती है तो वो जो है वकीलवा कहता है, अरे मैडम जी हीरोइन जी तनी 2 मिनट सबर करो और हेयो सुन लो, जो रिकॉर्ड हुआ है इसको भी सुन लो। उसके बाद वह रिकॉर्डिंग चला देता है। तो उस एक्ट्रेस को इतना बुरा अपनी आवाज लगता है, मीन्स सोचती है कितना गंदा हम बोल रही थी, मीन्स लड़की जानती हो कि जो है कहीं कहीं उनके अंदर मर्सी आ जाती है, चीजें थोड़ा सा अलग हो जाती है। तो उसे लगा कि हम कितना बुरा चिल्ला रहे थे, कितना लोगों को गलत बुरा भला बुरा कह रहे थे, इससे वह अनुभव करती है। और उसके बाद से वह जो है हीरोइन एक्ट्रेस बहुत अच्छी थी, कमाल की एक्ट्रेस थी, लेकिन उसके बाद उसने फिल्म लाइन में काम करना ही छोड़ दिया। मीन्स उसे इतना बुरा वो चीज लगा, अपने आप से ही गिरा उसे इतना हो गई कि उसने फिल्म लाइन को ही छोड़ दिया। मीन्स उसके करियर को बर्बाद कौन कर दिया, ये वकील ने कर दिया, इसीलिए उसे इलीगल एडवाइजर कहा जाता था। और उसके बाद इस वकीलवा को एक और कहानी सुनना, कहानियां कुछ इस तरह से है कि उसके बाद इसे एक दे दिया गया मूवी बनाने के लिए कि भैया इस मूवी को तुमको बनाना है, डायरेक्ट करना है, तुम्हें सब काम इसको करो, इस वकील को कह दिया गया। तो उसने इतना मेकअप इसमें लगाया, मीन्स खूब मेकअप का, खूब पैनकेक्स का प्रयोग किया, मीन्स जितना पैनकेक्स का प्रयोग कर सकता था उतना पैनकेक्स का प्रयोग किया, मतलब सबको सजाने वजाने में। लेकिन इसकी मूविया बहुत फ्लॉप चली गई, मतलब बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई। तो इसलिए जो है स्टोरी डिपार्टमेंट को ही इसी की वजह से पूरी तरह से क्लोज करना पड़ा। तो प्यारची यहां तक कहानी हो गई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज है, यहां पर आपको पता है कि 1940 में इसकी स्थापना हुई थी और बाकी 1950 के आसपास तक आते हुए 1947 में भारत देश आजाद हुआ था, तो इस आजादी के पहले ही जो है इसकी स्थापना हो गई थी। तो आजादी के पहले जाहिर सी बात है अंग्रेजों का शासन था, तो इस समय जो है जेमिनी स्टूडियो ऐसा था जहां पर जो है बहुत सारे कवि आकर के बैठते थे, यहां पर आकर के कॉफी ओफी पीते थे और यहां से आसानी से कॉफी मिल जाती थी और जो है 2400 घंटा कॉफी मिल जाती थी जो भी यहां पर आता था, क्योंकि बहुत बड़ा स्टूडियो था। और उस समय जो है सारी शूटिंग जो है जान भी पर्सन शूटिंग जो है उसी के अंदर होता था, मीन्स इंडोर शूटिंग होता था, केवल 5% ऐसा था जो आउटडोर शूटिंग करनी पड़ती थी। आजकल के तो आउटडोर शूटिंग पूरी तरह से हो गई है, मतलब बाहर शूटिंग किया जाता है, लेकिन पहले स्टूडियो के अंदर ही पूरी शूटिंग कर दी जाती थी। तो वही चीज यहां पर किया जाता है। अब इसके बाद यहां पर बहुत सारे लेखक आते हैं, यहां पर अपना मस्ती से टाइम व्यतीत करते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो इन लोग के बारे में उस समय कम्युनिज्म के बारे में बड़ा चर्चा हो रहा था, जब लेखक लोग आते थे कम्युनिज्म के बारे में बड़ा चर्चा होता था और कम्युनिस्ट कम्युनिज्म के बारे में चर्चा होता था। तो कम्युनिज्म के बारे में इसमें बताया गया है कि जो कम्युनिज्म लोग वाले लोग होते हैं, मीन्स जो कम्युनिस्ट होते हैं, कम्युनिस्ट किसी को मानते नहीं है, मीन्स न तो वे भगवान को मानते हैं, न तो जो है वे किसी अन्य चीजों में विश्वास करते हैं, मतलब उनका चाहे कोई बेटा है अपने बापे को मार दिया और बाप बेटे को मार दिया, मतलब कोई उससे नहीं, मतलब पूरी तरह से हिंसक होते हैं कम्युनिस्ट। ये कोई भाई बंधु नहीं मानते हैं कि हम पैदा अकेले हुए हैं, अकेले मरेंगे, इसलिए कोई भाई बंधुत्व नहीं है, सभी के साथ ही हिंसक ढंग से क्या करते थे जो है ये फेस करते थे सभी को। तो ये चीजें कम्युनिस्ट के बारे में बताया गया है। तो वहां पर लोग जो है कम्युनिस्ट को बड़ा घृणा करते थे वहां के लोग, लेकिन एक कम्युनिस्ट के बारे में उस समय चर्चा में बहुत था, एक कम्युनिज्म क्या है इसके बारे में उस समय दक्षिण भारत में काफी चर्चा था। और उसी बीच में एक आर्मी आती है, फ्रैंक बैकमैन का एक समूह होता है मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, ये फ्रैंक बैकमैन का समूह है मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी,
जिसमें 200 लोग काम करते थे। इस मोरल रीआर्मामेंट आर्मी में 200 लोग काम करते थे, और 200 लोग ये जो काम करते थे, यहां इन लोगों को जो है ये लोग परफॉर्म एक ड्रामा करना चाहते थे। कहां पर? इस जैमनी स्टूडियो में। और बाहर से लोग आए हुए थे और जो है जैमनी स्टूडियो में ड्रामा को परफॉर्म करना चाहते थे। तो वहां की मालिक यशस वासन से पूछे कि भैया हम यहां परफॉर्म कर सकते हैं? तो यशस वासन ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। उनको लगा कि हमारा क्या नुकसान है, आएंगे परफॉर्म करेंगे हमारा ही नाम होगा, तो बाहर देश से आए हुए हैं तो इसलिए और हमारा नाम होगा, इसलिए कहे कि आदेश दे दिए कि परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन जो है जब ये लोग परफॉर्म करके चले गए, मिस 200 लोगों का एक फ्रैंक बैकमैन उस समय इस मोरल रीआर्मामेंट आर्मी का हेड था, तो इसने जब परफॉर्म करके चले गए, परफॉर्म करके जाने के बाद इन्हें पता चला यशस वासन को कि ये लोग यहां पर एंटी कम्युनिस्ट का विचार फैलाने आए थे, मीन्स कम्युनिस्ट का ये लोग विरोध करते थे, उसी विरोध को यहाँ पर इस ड्रामा के द्वारा दिखाने की लोग कोशिश किए हुए हैं। तो ये सारी चीजें उन्हें बाद में पता चलती हैं। तो इस तरह से जैमनी स्टूडियो बहुत सारे लोगों का अपनी इस स्टूडियो पे स्वागत करता है, बहुत सारे लोग परफॉर्म करते हैं यहाँ पर आकर के। जैमनी स्टूडियो के बारे में हो गई। उसके बाद एक अंग्रेज व्यक्ति, अब फिर जो है जैमनी स्टूडियो का के यहाँ एक अंग्रेज व्यक्ति को आना हुआ, और ये पोएट थे, पोएट भी नहीं थे एडिटर थे, क्योंकि पोएट भी थे इसके साथ साथ जो है एक एडिटर, बहुत बड़े एडिटर थे, और यशस वासन भी एडिटर थे। तो इसलिए जब उन्होंने सुना कि इंग्लैंड से एक बहुत बड़ा एडिटर आ रहा है हमारे स्टूडियो में कुछ जो है स्पीच देने वाला है, तो वो यशस वासन ने जो है अनुमति दे दिया कि भैया आइए स्पीच दीजिए, कोनो बात नहीं, ठीक है। अब उसके बारे में कोई कोई भी नहीं जानते थे, लोग जो है नॉर्मल पोएट्स के बारे में जानते थे जो इंग्लैंड के थे या फिर बाहर के थे, लेकिन इनके बारे में जो है कुछ भी सुना नहीं गया था। इस जो है पोएट का नाम क्या था? स्टीफन स्पेंडर था। स्टीफन स्पेंडर के बारे में कोई भी कुछ भी सुना हुआ नहीं था। ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद ये जो है स्टीफन स्पेंडर शाम को आते हैं, 4 बजे दोपहर में आते हैं, आने के बाद अपना लेक्चर देते हैं, और भैया इनका लेक्चर हुआ किसमें होता? अंग्रेजी में होता है, और इतना इनका एसेंट जो है बोलने का, इतना अंग्रेजिया इतना फ्लुएंसी थी, मतलब इतना अलग ढंग से बोले कि कौनो लोग समझ नहीं पाए। ये घंटा भाषण दिए जो है स्टीफन स्पेंडर, लेकिन उसमें से कौनो लोग नहीं समझ पाए ससुरा का बोल रहा है अंग्रेजी में, कौनो नहीं समझ पाए। तो जब नहीं समझ पाए तो उसके बाद जो है उन्हें भी बुरा लग रहा था, स्टीफन स्पेंडर को भी बुरा लग रहा था कि जो है कि कैसा दर्शक लोग मिल गया, कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। तो उसके बाद वहां से स्टीफन स्पेंडर चले जाते हैं, और फिर जो है ये जो अशोका मित्रण होते हैं ये सोचते हैं कि आखिर था कौन व्यक्ति, किस लिए यहां पर आया हुआ था अशोका मित्रण। और अशोका मित्रण बाद में जो है स्टीफन स्पेंडर के आने के बाद उस जैमनी स्टूडियो को छोड़ चुके होते हैं, और जब जैमनी स्टूडियो को छोड़ चुके होते हैं तो इसके बारे में सोच रहे थे कि कौन आया था। तो उसी बीच में जो है एक पत्रिका थी, द एनकाउंटर नाम की एक पत्रिका था, एक लेख छपा, उसमें इस पत्रिका में जो है सभी को लेख भेजना था, मीन्स एक स्टोरी भेजनी थी, और जो इनकी स्टोरी सबसे बेस्ट होती उनको क्या किया जाता? सम्मानित किया जाता, प्राइज दिया जाता। ये जो है इनकाउंटर में छपा, इनकाउंटर में इसी से आई इनकाउंटर में। उसके बाद यशस जो है अशोका मित्रन उस समय जो है सोचे कि हम जो है कहानी लिखें, और कहानी लिखने से पहले सोचो कि इनकाउंटर है कैसी पत्रिका, इन सारी चीजों के बारे में पहले हम लोग पढ़ लें, उसके बाद जो है हम इस पत्रिका में अगर बढ़िया होगा तो स्टोरी लिख करके भेजेंगे, नहीं बढ़िया होगा तो नहीं भेजेंगे, ये अशोका मित्रन सोचते हैं। तो उसके बारे में जब इस जो है इनकाउंटर पत्रिका के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है इनका कि एडिटर स्टीफन स्पेंडर है, मीन्स इस पत्रिका की जो है जो एडिटर थे स्टीफन स्पेंडर इसके एडिटर हैं। तब इन्हें पता चलता है कि अरे ये तो वही है जो जैमनी स्टूडियो में आए हुए थे और बोल बाल करके कुछ चले गए थे, कौन समझ ही नहीं पाए थे, तब समझते हैं कि ये जो है स्टीफन स्पेंडर थे। और उसके बाद जो है आगे फिर कहानी बढ़ती है, स्टीफन स्पेंडर के बारे में कुछ यहां जान जाते हैं, उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। आगे ये बढ़ती है कि इनके बारे में जो है एक जो है, क्योंकि अशोका मित्रण और कभी लोग बहुत गरीब होते ही हैं, ये बहुत अमीर नहीं होते हैं, ये कोनो खिलाड़ी और जो है नेता नेताइन या फिर जो है कोनो एक्टर और एक्ट्रेसेस के जैसा नहीं होते हैं कि बहुत सारा पैसा कमा लें, ये बहुत गरीब होते हैं जितने भी कभी होते हैं। तो उसके बाद जो है इस समय जैमनी स्टूडियो भी छोड़ दिए थे, तो इसलिए कोई भी सस्ती चीज इन्हें बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती थी, मतलब कुछ सस्ती चीज खरीदना चाहते थे। वैसे जो है 50 पैसा में वहां पर जो है एक स्ट्रीट से गुजर रहे थे, उस स्ट्रीट का नाम है मद्रास माउंट रोड पोस्ट से होकर के गुजर रहे थे, वहां पर सड़कों पर जो है 50 पैसे की जो है वो काफी अच्छी अच्छी किताबें बिक रही थी। तो जब 50 पैसे की देखे तो जो है कि वो सोचे कि अब किताब को खरीद लें,
तो क्योंकि सस्ती, इतनी सस्ती किताबें नहीं मिलती थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि इतनी सस्ती किताब है तो खरीद लेते हैं। तो 50 पैसे में कई किताबें खरीद ली। तो उसमें इन्होंने एक किताब खरीदा और जो इसमें एक टाइटल था गॉड दैट फील्ड जो है नामक, उन्होंने एक पत्रिका खरीदा और उसमें जो है गॉड दैट फील्ड के जो लेखक थे, उसमें 6 लेखक थे उसके, और उसमें भी स्टीफन स्पेंडर थे। मीन्स उसमें भी स्टीफन स्पेंडर थे। तब जो है अशोकामित्रन को सही सही पता चला कि अशोकामित्रन क्यों आए हुए थे, जेमिनी स्टूडियो में क्यों आए थे। तो उन्हें बाद में पता चला जब इन्होंने देखा कि गॉड दैट फील्ड इन्होंने जो लिखा हुआ है, तो इन्हें पता चला कि स्टीफन स्पेंडर कम्युनिज्म के बारे में बताने के लिए आए हुए थे। इसका साइड इफेक्ट क्या है, कम्युनिज्म क्या होता है, इसी के बारे में प्रचार करने के लिए ही वे स्टीफन स्पेंडर आए हुए थे। तब इन्हें पता चला उनके आने का रीजन। ठीक है, तो प्याची ये हो गया आपका इस चैप्टर की हिंदी समरी हो गई, मींस इस चैप्टर की कहानी पूरा एकदम विस्तार से हमने हर चीज को आपको बता दिया, कहीं पर भी कुछ भी नहीं छोड़ा। उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्या हो गई होंगी, आपके दिमाग में घुस गई होंगी। तो प्याची ये स्टीफन स्पेंडर के बारे में लास्ट में जो है इस तरह से अशोकामित्रन को पता चल गया था कि कौन थे। गॉड दैट फील्ड इन्होंने जो ये देखा तो सीमित पता चल गया, गॉड दैट फील्ड मींस ईश्वर जहां असफल हो गया, तो इसमें मींस जाहिर सी बात है इन्हीं सभी चीजों के बारे में वहां पर जेमिनी स्टूडियो में बताने आए हुए थे। तो प्याची ये आपका इस चैप्टर की समरी हो गई। उम्मीद करते हैं सारी चीजें एक एक करके बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी, कहीं पर आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। अब इस चैप्टर का प्याची हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास होगी, कल या परसों आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन की इसकी क्लास मिल जाएगी और एक ही जो है क्लास में पूरा इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन करा देंगे। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी। तो क्लास की समाप्ति ही करेंगे, और भैया क्लास की समाप्ति करने से पहले बीच में को बार नहीं कहे, अगर कोनो बच्चा लोग आया हुआ है चैनल पे पहली बार, सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, हर एक बच्चा तक वीडियो को शेयर करेगा, भैया आप लोग की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये आप लोग की जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ पेड क्लास में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, अब इसके बारे में विस्तार से आपको बता देते हैं। और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं प्याचे पेड क्लास, जरूर पेड क्लास में एडमिशन लें, क्योंकि उसमें एकदम शानदार ढंग से, बेहतरीन ढंग से आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है। जो आपका इंग्लिश में 100 out of 100 मार्क्स का टारगेट आपको दिए हैं, उस टारगेट को अचीव कराने के लिए पूरी अपनी ताकत लगा देंगे। तो इसलिए जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं जरूर पेड क्लास में एडमिशन लेना। तो जल्दी से प्याचे बता देते हैं पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें। हम लोग पहले प्याचे बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो प्याचे पेड क्लास में आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट वीक तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मींस क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको इस बार रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और इस पेड क्लास की फीस प्यारे केवल 499 रुपए रखी गई है, और ये पूरे सत्र के लिए है, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता। और प्याचे 499 रुपए का आपको पेड कैसे करने हैं, आपको यहां पर कुछ माध्यम दिए गए हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, आप इनमें किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं अगर आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर प्याचे आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्याचे आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपसे किसी एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो
आपको क्या कर लिया जाएगा, पीएचए कॉल कर लिया जाएगा। बाकी पीएचए अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर 2400 घंटा कॉल कर सकते हैं। मिस आपको ये जो नंबर दिया गया है 7392937172 करके आपको जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप 2400 घंटा कॉल कर सकते हैं, आपकी कॉल 2400 घंटा रिसीव की जाएगी। आप पीएचए 2400 घंटा व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप 2400 घंटा पेमेंट भी कर सकते हैं, मींस किसी भी समय आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे ये हो गया आपका एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे आज की सेशन की समाप्ति यहीं पर करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, लव यू ऑल प्यारे बच्चों।